नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये वीडियो क्यों आया है। मैं कल से कुछ मैसेजेस रिसीव कर रही थी, कुछ कमेंट्स थे और कुछ मेरे पास डीएम इंस्टाग्राम पे भी आए थे इस और उसका रीजन था कि एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं कोई गिव अवे कर रही हूं और आपने उस गिव अवे का आप जो है विनर हैं और आपको कोई प्राइज मिलेगा, लेकिन और उसमें आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं और आपसे आपका नंबर मांगा जा रहा है और आपसे चैट के थ्रू जब आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं तो शायद आपसे कुछ पैसा भी मांगा जा रहा है। तो पहली चीज, मैं कोई भी ऐसा गिव अवे नहीं कर रही हूं और मेरी तरफ से कोई प्राइज भी नहीं दिए जा रहे हैं। मेरे पास कोई मेरा टेलीग्राम का नंबर भी नहीं है। तो जितनी भी चीजें आपसे ये मांगी जा रही हैं वो बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है ये चीज। और जो आपसे ये चीज आपके नॉर्मली ये ना आपको कमेंट्स में आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें मेरी फोटो लगी हुई है, मेरे चैनल का नाम है और टेलीग्राम वर्ड भी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने उसको मॉर्निंग में उसको रिपोर्ट भी किया है और ब्लॉक भी करने की कोशिश करी, बट वो शायद अभी तो ब्लॉक नहीं हो पाया है। तो मेरे पास अभी मेल आई थी और उसमें उन्होंने वो स्नैपशॉट्स भेजे हैं मुझे, जिसमें कि या स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं उसमें कि उन्होंने किस तरह से आपसे एड्रेस मांगा है और फिर आपसे शायद पैसे भी मांग रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पहली चीज, मैं इस तरीके का कोई भी जो है गिव अवे तो करती हूं, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके थ्रू मतलब इस तरह से जो हूं पैसे की डिमांड करूं। और अगर गिव अवे भी होगा तो वो चैनल पर बिल्कुल कायदे से अनाउंस करके आप लोगों की रजामंदी से ही होगा। कोई भी काम छिप कर इस तरह से करना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी करना है आपके सामने लाके करना है, आपको बता के करना है और उस चीज में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इस तरह से छुप के काम वो करते हैं जो डरपोक होते हैं, जिन्हें शायद सामने आने से डर लगता है। तो जो कोई भी इस काम को कर रहा है इस तरह का काम मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो हूं जो साइबर क्राइम वाली जो डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्टैक्ट करूंगी इस वीडियो के बाद और वहां पर भी मैं इन सारी चीजों की रिपोर्ट करूंगी और इस मैटर को मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल यहीं के ही यहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह पे मैं पहुंचाऊं, ताकि अगर कोई इसका शिकार भी होने वाला हो तो ना हो। तो प्लीज आप लोग बच के रहिए। मेरे नाम से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी तरीके की कोई डिमांड होती है तो प्लीज आप मुझे मेल करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। मैं इंस्टाग्राम पे जो हूं सारी चीजें चेक कर रही हूं अब, जो कि मैंने डिले कर दी थी, कुछ डीएम्स मेरे पेंडिंग थे। तो आप वहां पे मुझे मैसेज करिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर ऐसी कोई चीज हो रही है। और ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास ना करिए। ये सारे लोग और इस वीडियो को अगर कोई मेरे साथी यूट्यूब क्रिएटर्स देख रहे हैं तो वो भी अपने चैनल पर अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसे मॉनिटर करिए प्लीज, और इन सारी चीजों को रिपोर्ट करिए। तो दोस्तों, वैसे भी हमें हमेशा जब कभी भी इस तरीके की कहीं पे भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की डिमांड होती है तो हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये सारी चीजों के थ्रू फ्रॉड होना बहुत ही कॉमन है। हमारे फोन में हमारा बहुत सारा डेटा रहता है, हमारे फोन में हमारी बैंक की बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं। तो अगर कोई आपसे इस तरह का मेरे नाम के अलावा भी कोई चीज अगर मांग रहा है तो आपको नहीं देनी चाहिए। और हम ऐसे मैसेजेस बार बार रिसीव करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको ये बताया जाता है कि कोई भी आपकी अगर इंफॉर्मेशन या डेटा लेने की कोशिश कर रहा है तो आप कभी ना दें। तो ये सिर्फ मेरा ही मामला नहीं है, इसके अलावा भी अगर किसी और यूट्यूब चैनल को भी आप देख रहे हो या कहीं और भी किसी भी तरीके का डेटा आपसे मांगा जा रहा है तो प्लीज कभी भी प्रोवाइड ना करें। अगर मैं कोई भी इस तरीके की चीज करूंगी तो सबसे पहले उस चीज का अनाउंसमेंट मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके साथ करूंगी। मैं अपने इंस्टाग्राम पे इस चीज की इंफॉर्मेशन दूंगी, फेसबुक पे मैं एक्टिव हूं, मैं फेसबुक के थ्रू आपको बताऊंगी, तब जाकर कहीं इस तरीके का कुछ अनाउंस मतलब कुछ चीजें होंगी। फिर अगर उनके विनर्स भी होंगे तो मैं आपको यहां बताऊंगी, बजाय इसके कि मैं कॉमेंट में इन सारी चीजों को बोलूं। ये सारी चीजें जो भी कर रहे हैं उनके आप बिल्कुल उनको आप ब्लॉक करिए किसी तरीके से, उनको ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करिए और इसमें आप बिल्कुल भी अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी प्रोवाइड मत करिए, कोई बैंक डिटेल्स मत दीजिए। आपसे अगर पैसा मांगा जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है।
ये चीजें ध्यान में रखिए। मैं बार बार आप लोगों से ये चीज बोलती हूँ कि कोई भी जो भी चीज होगी वो मेरी और आपकी आमने सामने होगी, मेरे पास कैमरा है, चैनल है, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, उस चीज के थ्रू होगी। और प्लीज अगर जिन्होंने अपना एड्रेस वगैरह दे दिया है तो ऐसे लोगों को रिपोर्ट करिए, हाइड करिए और डिलीट करिए अपनी लिस्ट में से, और ऐसे कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए जो आपसे किसी भी तरीके का पैसा मांग रहे हों। क्योंकि कोई भी YouTube क्रिएटर कभी भी आपसे बात किए बगैर कोई भी गिव अवे या कोई भी प्राइज, कोई भी विनर नहीं देता है। तो किसी और चैनल पर भी अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए, उन YouTube चैनल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए, उन्हें मेल भेजिए। तो जिन फ्रेंड्स ने मुझे ये चीज मेल पे भेजी है उनके लिए थैंक यू। मैं उससे पहले ही रिपोर्ट कर चुकी थी क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे चैनल पर भी कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि दी थैंक यू, आपने हमें विनर समझा, थैंक यू कि आप हमें गिव अवे के लिए आपने मुझे चूज किया, तो इस तरह के। तो प्लीज इस तरीके के फ्रॉड से बचिए, बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप लोग मुझे मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताइए। और मैंने एक्चुअली कुछ काम मेरा अभी मतलब मैं कर रही थी, मैंने उसको एकदम बीच में स्टॉप करके इन सारी चीजों को मॉनिटर करना स्टार्ट किया। और ये बिल्कुल राइट है कि इस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप लोग भी देखिए और इस चीज का आप शिकार बिल्कुल मत बनिए। केवल मेरे चैनल पर ही नहीं, किसी भी चैनल पर अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। और अपना डेटा बिल्कुल भी किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले मैं एटीएम में गई थी अपने पैसे निकालने के लिए, तो वहां पर भी कुछ फीमेल्स खड़ी थी जो कि ये बोल रही थी अपना एटीएम देके कि प्लीज आप मेरा पैसा निकाल दो। तो मैंने उनसे बोला कि आप आओ, मैं आपको सिखा देती हूँ, बता देती हूँ, क्योंकि वो बैंक के बाहर एटीएम था और मैं किसी बैंक के बंदे के साथ मिलकर आपको बता देती हूँ, तो आप इस तरीके से पैसे निकाल लीजिए। लेकिन वो मुझ पर प्रेशर डाल रही थी कि नहीं, आप ही निकाल कर दे दो, हमको नहीं आता है। और मेरा उनसे ये कहना था कि मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद निकालो, क्योंकि वहां पर भी कैमरे लगे रहते हैं एटीएम्स में भी, और कैमरे चलते रहते हैं। लेकिन वो नहीं माने तो मैंने मना किया उनको, फिर मैं उनको अपने साथ बैंक, वही बैंक था, बैंक में लेकर गई और उनके थ्रू उन्हें मैंने सिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत थी या सही थी, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प भी करते हैं इन सारे मैटर्स में तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, विजिलेंट रहना है और अपना दिमाग चला के आपको हेल्प करनी है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, कौन आपको किस तरीके से समझ रहा है। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग मेरे बहुत ही मतलब मेरे डियर लोग हो, मतलब बहुत ही पास हो मेरे दिल के, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी कि आप लोगों का कुछ भी जरा सा भी आप लोगों का अहित हो या कुछ भी खराब हो, आप किसी भी तरीके की चीजों का शिकार बने। और आप कोई भी पैसा मत दो, मतलब अगर मैं कुछ भी करूंगी तो पहले दोस्तों आपसे बात करके ही करूंगी, कोई भी डिसीजन लूंगी तो आपसे बात करके लूंगी, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें शेयर करने का मेरे पास एक तरीका है और मैं उससे करती हूं। तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें मतलब मैं कल से देख रही थी, मतलब कॉमेंट्स देख रही थी, और फाइनली मुझे ये वीडियो के थ्रू आके बताना पड़ा। पहले मैंने सोचा था कि एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर आप लोगों को इस चीज के बारे में बता दूं, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट जो है एकदम से सबके पास नहीं जाती है, मतलब उसे टाइम लगता है थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट होने में, तो इसीलिए मैंने वीडियो के थ्रू आपको बताया है, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब वो जल्दी स्प्रेड होगा रादर देन कि मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूं। तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, और अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा, और अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही संभाल के रखो, अपने डेटा को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखो। और थैंक यू सो मच उन सारे दोस्तों का जिन्होंने मुझे इस चीज के बारे में बताया। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप मेरे चैनल पर देखते हैं तो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी बताएं ताकि मैं उस पे कोई एक्शन ले सकूं, और इस पे मैं क्या एक्शन लूंगी वो भी आपको जरूर बताऊंगी। तो इस तरीके से आप लोग बच के रहिए। तो मैंने ये एक वीडियो जल्दी से आप लोगों के लिए बताया, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग चेक करिए और बचे रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।